नमामिस्मि सानु निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम् निराकार मोंकार मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल लोलिनी चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयासूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजे हम भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापुहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजंती हलोके परे वानराणम नतावत् सुखम शांति संतापुनासम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं
उन पर शंकर जी प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम संपूर्ण हुआ। यह परम पवित्र पावन स्तुति है, इससे भगवान शंकर की वंदना करनी चाहिए।